सत श्री अकाल जी, अजीत वैब टीवी ते स्वागत है। मैं हाँ मनप्रीत सिंह काठपाल। तो बुलेटिन की शुरुआत तो पहला नज़र मारांगे अज दियां खास खबरां ते। सिद्धू दे ट्वीट तो बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कसिया तंज, कहा पहला सिद्धू नूं मना लो, बाद विच करियो लोक भलाई स्कीमां दे ऐलान। बेअदबी मामले च नवजोत सिंह सिद्धू का एजी ते वड्डा हमला, उन्हां कहा इंसाफ अन्ना हो सकता है पर लोक नहीं। पंजाब दे लोकां नूं मिली वड्डी राहत, पेट्रोल डीजल होया सस्ता। नशा विकन खिलाफ वीडियो होई वायरल, पिंड बाजीदपुर च पुलिस ने मारे छापे। किसानी संघर्ष दियां शहीद औरतां दे निमित श्रद्धांजलि समागम च हजारां लोकां ने दित्ती श्रद्धांजलि। हुण इन्हां खबरां दा विस्थार ते कुछ होर अहम खबरां। पंजाब विच कांग्रेस दा कलेश लगातार बरकरार है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार के उत्ते निशाने साध रहे ने, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज 12 ट्वीट किए ने, ते इन्हां 12 ट्वीटों के विच उन्होंने एजी APS देओल के उत्ते निशाना साध्या है, ते उन्होंने बहाने चरणजीत सिंह चन्नी के उत्ते भी निशाना साध्या है। इस चुनावी जंग दे विच एंट्री मारी है लुधियाना तो लोक सभा मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने। बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू के उपर निशाना कसिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने व्यंजमई अंदाज विच सरकार नू सलाह दित्ती है कि पहला नवजोत सिंह सिद्धू नू खुश करो, बाद विच तुसी लोक हित वालियां स्कीमां दा ऐलान करियो, नहीं तो सिद्धू मुड़ तो इन्हां स्कीमां ते नुक्ताचीनी करनगे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान लगातार अपनी ही सरकार नू निशाने ते लै रहे ने। अज उन्होंने एजी दे बहाने चन्नी सरकार ते निशाना लाया है। बीते दिन एजी दे कीते ट्वीट तो बाद अज नवजोत सिंह सिद्धू ने धड़ाधड़ ट्वीट किए ने। उन्हां लिखिया इंसाफ अन्ना है पर पंजाब दे लोक नहीं। साडी कांग्रेस पार्टी बेअदबी मामलों में न्याय देने दे वादे दे नाल सत्ता में आई सी, जिस विच तुसी मुख साजिशकर्तावां दोषी व्यक्तियों लई हाई कोर्ट विच पेश होए अते साडी सरकार उत्ते गंभीर दोष लगाए। पंजाब कांग्रेस प्रधान ने एक तो बाद एक ट्वीट करके देओल दे उत्ते निशाना लाया, APS देओल दे उत्ते निशाना लाया, एक पत्र भी सांझा किया जिस विच उन्हां कहा कि तुसी विशेष तौर पर जांच CBI नूं सौंपण दे लई प्रार्थना की सी। सिद्धू ने अगे कहा कि अज तुसी उसे राजनीतिक पार्टी की सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हो जो सत्ता में है, जिस दे खिलाफ तुसी पहला खड़े सी, मेरे गलत जानकारी फैलाउन दे दोष लगा रहे हो, जदों कि मैं बेअदबी के मामलों में इंसाफ मांग रहा हाँ, जबकि तुसी मुलाजमान की जमानत लई लड़ रहे हो। पंजाब सरकार ने पंजाब दे वासियों नूं दिवाली का तोहफा दिंदे होए पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां विच वड्डी राहत दित्ती है। अज हुई कैबिनेट मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डा ऐलान किया। उन्हां पेट्रोल 10 रुपए अते डीजल 5 रुपए सस्ता करन दा ऐलान किया। घट कीतियां गईयां कीमतां अज रात तो ही लागू कर दित्तियां जाणगियां। इस दे नाल ही उन्हां दावा किया उत्तरी भारत विच पंजाब विच सब तो सस्ता होवेगा पेट्रोल। उन्होंने कहा कि अजिही कटौती 20 सालों विच पहली बार देखने को मिली है। CM ने कहा कि भाजपा दे ने लोगों के नाल धरोक माया है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों विच डीजल का रेट 61 रुपए तो 98.50 रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रेट नहीं कटाए, एक्साइज ड्यूटी कटाई है। उन्हां वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का भी धन्यवाद किया। उन्हां कहा कि कैबिनेट मीटिंग च होर भी वड्डे फैसले लए जाणगे, पर बाकी विधानसभा दे स्पैशल सैशन विच दस्या जाएगा। कोई कंट्रोल नहीं रहा BJP सरकार का, इन्हां ने पूरे देश के लोगों नूं बुरी तरह लुटिया। हुण रेट पहला 30-30 रुपये बधाते, तो हुण उन्हां नूं 5 रुपये या 10 रुपये घट करके बाबा खट्टण दी यतन कर रहे। मैं तुहानूं इह भी दसना चाहुंदा हां कि जिहड़ा रेट घटाया गया है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, उहदे विच 42% शेयर स्टेटां दा हुंदा है। वो जिहड़ा पैसा है उहदे चों 42% शेयर पंजाब सरकार नूं भी आना हुंदा है, ते जद वो घटदा है तो साडा भी 42% घट जांदा है।
ये रेट साढ़े सिर ते ही घटाए गए है। लेकिन पंजाब दे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवादी हाँ, पंजाब सरकार ने अज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा के पिछले 70 सालों के विच कदे मैं सुनया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया। फिरोजपुर दे देहाती विधानसभा अधीन पैंदे पुलिस थाना कुलगड़ी तो महज 1 किलोमीटर दूर पिंड बजीदपुर च एक व्यक्ति कोलों नशा तस्करां वल्लों शरेआम नशा वेचण वालियां ते जानों मारन दियां धमकियां देण दे दोष लगा के वीडियो वायरल की गई सी, जिस विच दस्या गया सी कि पिंड अंदर शरेआम नशा विकदा है। पुलिस दे उच्च अधिकारियों नूं लिखती शिकायतां दित्तियां गईयां पर कार्रवाई कोई नहीं हुई, उल्टा नशा तस्करां ने उसनूं ही जानों मारन दियां धमकियां दिंदे होए उसका घर घेर लिया, जिस तो बाद दुखी आके उसने एक वीडियो वायरल की जिस में उक्त व्यक्ति ने दुखी मन नाल पुलिस अते सरकार ते दोष लगाए कि सरके शिकायत करन दे बावजूद उन्होंने नशा तस्करां खिलाफ ढुकवीं कार्रवाई नहीं की। उक्त वीडियो वायरल होने तो बाद पंजाब पुलिस वल्लों अज वड्डी गिनती विच मूँह हनेरे विच पिंड बजीदपुर विच छापा मारिया गया। पुलिस वल्लों पूरे पिंड विच तलाशी मुहिम चलाई गई। SP ने दस्या कि एक वीडियो वायरल हुई सी जिस तहत यह कार्रवाई की गई है। ये जी वजीदपुर पिंड आ, फिरोजपुर दे विच इतिहासिक पिंड आ जी वजीदपुर, जामनी साहब गुरद्वारा इतने 10वें पातशाह के चरण छू प्राप्त धरती है जी। की हुंदा इतने? इतने चिट्टा शरेआम वेखदा जी, और इस तो पहला कई वीडियो दे विच मैं पाया जी, कई नौजवानों की मौत हो चुकी है जी, चिट्टा नहीं रुकिया। की कारण की है भी क्यों रोकथाम नहीं हो रही? पुलिस कहती है बड़ी कार्रवाई करते हैं, बड़े रेड करते हैं, अभी भी देखा भी इस तरह रुक पाएगा? अगर इस तरीके दे नाल महीने दे विच एक अद्धी वारी रेड होंदी आ या दो तीन वारी रेड होंदी आ ते मैनू लगदा है अज दा माहौल वेख के कि इस तरीके दे नाल जिहड़ा वजीदपुर दे विच चिट्टा रुक जाएगा। कल तुहानूं लाइव होण दी की लोड़ पई? सर जिहड़े बंदे सीगे उन्हां नूं पता सीगा कि चिट्टे दे खिलाफ मैं उन्हां दी वीडियो पाई सीगी एक जी, और कमेटी बनी है जी इत्थे ते साडी कमेटी ने एक शोभा इत्थे एक रैली कढ़ी सीगी जी, सारिया हाथ जोड़ के बेनती की भाई भी तुम चिट्टा है जोड़ा छड़ दो, तो सारी कमेटी ने बड़ा जोर लाया। धन्यवाद करता मैं सारे नौजवानों का जी, प्रधान जी मैंबर जी खजानची साहब सारे इतने ने जी, तो बहुत जोर लाया जी, और वो समझा ही फिर तो भी तुम रुके नहीं तो तुम आपका चिट्टा जरा जारी करते पै जे। उन्होंने मैं गाली गलोच किया जी, तो वह इतने आ गया जी, तो इतों मैंने जानों मारन की दो बारी धमकी दे कि वह जी वो तो शरेआम करते जी, नजायज हथियार ने उन्होंने उत्ते कई परचे ने जी, वो परवाह ही नहीं समझते इतने रेंदे ने जी, तो शरेआम देखो जी जितों तक उन्होंने हुकूमत उन्होंने टौर उन्होंने एक फिल्मी अंदाज रहना तो फिल्मी अंदाज जरा शरेआम हथियार रखने नजायज हथियार रखने परचे होने के बावजूद भी इदा घूमते रहना तो लगता है कि उन्होंने कल्या दे नहीं उन्होंने उत्ते किसी का हथ हैगा जी। कल जी वीडियो पास्टर ने पाई सी उस संबंधी फिर असी जो है 150 मतलब मुलाजम लैके इस पिंड की जी है सर्च कर रहे हैं, तो अजे तक तो सानू कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन ये देखने दे विच लोगों तो पता लगा कि इन्हां दी पास्टर की तो दूजी पार्टी की जी है जिन्हां ते ये एलीगेशन आ रहा वो आपस भी जी कोई पहला कोई कुड़ी मुंडे का कोई झगड़ा जहा है उस संबंधी गोली गाली भी चली सी, परचे भी होए सी, तो कल फिर पास्टर ने जी है उन्हें वीडियो पाती मैसेज पाया आपके साथियों इतने कमेटी बनी हुई है वो 150 वर्कर है मैंबर है उन्हें तो पाया सी भी फिर इतने तुरे फिरते हैं इस करके रात फिर वो बंदे जे आ गए हाँ जबानते आने करके वो जो उन्होंने गोली चली सी जबानते करते आया हुआ तो वो दोबारा फिर इतने रात जिहड़ी नशा छुड़ाऊ कमेटी वो आ गई तो मिलया तो कुछ नहीं उन्होंने पर उस तो बाद फिर तू मैं हो गई ने फिर पाई से असी सर्च कर रहे पिंड पिंड की कमेटी कह रही जी पिंड नशा बहुत सीगा असी जी है कमेटी बनाई है थोड़ी बहुत ठल पई है लेकिन हजे भी कोना नहीं सानू पता नहीं लगता कि वेचदा कौन है। 3-4 महीने तो जी है नशा छुड़ाऊ कमेटी बनी हुई है वो आप ही दस रहे हैं भी उस तो बाद काफ़ी सुधार होया
पर ज़्यादा जिहड़ा वीडियो ते लाइव होया वो तो इन्हों का आपकी रंजिश हैगी है। मैं दस रहा भी कुड़ी मुंडे का घरौला सी कुआस जी इन्हां दी परचो परची भी होई सी गोली भी चली सी। हाँ, मानसा जिले के पिंड खीवा दयालू वाला दियां तीन औरतां सुखविंदर कौर, अमरजीत कौर, गुरमेल कौर जो कि खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली के टिकरी बार्डर से एक टिप्पर वालों दरड़ दित्तियां गईयां सी, उन्हां दा अज शरदांजली समागम रख्या गया जिस विच हज़ारां की गिनती च लोगों ने शरदांजली भेट की। इस शरदांजली समागम च जिथे मानसा जिले अते जिले तो बाहर दियां किसान जथेबंदियां जत्थे लैके पहुंचियां, उत्थे ही राजनीतिक पार्टियां दे आगू वख-वख समाजिक संगठन वड्डी गिनती विच शरदांजली समागम च पहुंचे। इन्हां तिन्ने औरतां लई निमित श्री सहज पाठ साहिब दे भोग पाए गए। शरदांजली समागम नूं संबोधन करदियां संयुक्त किसान मोर्चा दे आगू जोगिंदर सिंह उगराहां, रुलदू सिंह मानसा ते बीकेयू उगराहां दे जिला प्रधान राम सिंह भैणी बागा ने कहा कि पिंड खीवा दयालू वालियां इन्हां तिन्नां औरतां दी शहीदी अनजाई नहीं जाएगी। आगुआ ने केंद्र की मोदी सरकार से वरदिया कहा कि खेती कानूनों के खिलाफ लड़े जा रहे अंदोलन च हुण तक 700 तो वध व्यक्ति जिन्हां च किसान मजदूर अते होर लोग शहीद हो चुके हैं, पर केंद्र सरकार ने संसद विच इन्हां शहीदां नूं शरदांजली तां की भेंट करनी सी बल्कि उन्हां दा जिक्र तक नहीं किया गया। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ BJP ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ NRI ਸਾਥੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਰਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ UP ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 4.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
हम लोग यहाँ पटियाला में वर्कर से मिलने के लिए आई है। हम लोगों का इकलौता एजेंडा, सोल एजेंडा है पटियाला के कांग्रेस के वर्कर से मिलना। 2022 को लेकर क्या स्थिति तैयार की जा रही है? यहाँ आज सिर्फ हम वर्कर से मिलने के लिए आया है, सिंगल एजेंडा कि कोई भी वर्कर अपनी बात हम लोगों से कर सकता है और पटियाला के तमाम वर्कर्स की लीडर्स तो वो चंडीगढ़ आ सकते हैं और वर्कर से को हम लोग उनके डिस्ट्रिक्ट में जाकर ही मिले, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसके अंतर्गत ही है जी। आज सिर्फ हम लोग या वर्कर से मिलने के लिए आई है। ये लोगों का गढ़ है, ये पटियाला के लोगों का गढ़ है पटियाला। चौधरी साहब महाराणी पंडित कर रहे हैं, किसी सियासती दल का गढ़ नहीं है, किसी व्यक्ति का गढ़ नहीं है, पटियाला पटियाला के लोगों का गढ़ है, ये भारत है। गढ़शंकर तो नंगल जाण वाली बत्तर हालत सड़क दे सुधार दी मंग नूं लै के कंडी संघर्ष कमेटी वल्लों गढ़शंकर विखे नंगल रोड ते ट्रक यूनियन सामने सड़क ते जाम लगा के धरना दिता गया। धरने दौरान कंडी संघर्ष कमेटी दे सूबाई आगू दर्शन सिंह मट्टू, गुरनेक सिंह भज्जल, गुरनेक सिंह भज्जल अते चौधरी अच्छर सिंह ने संबोधन दौरान सड़क की खस्ता हालत कारण वापर रहे सड़क हादसों का जिक्र करदिया कहा कि इत्थे रोजाना लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं ते जख्मी हो रहे हैं। आगुआ ने कहा कि दो राज्यों नूं आपस विच मिलाउण वाले अते वक्ख वक्ख धार्मिक अस्थानां नूं जाण वाली सड़क की हालत पिछले लंबे समय तो तरसयोग है ते सरकार का बेध्यानी इस पासे वल है कोई ध्यान नहीं है। आगुआ ने कहा कि सरकार ने नुमाइंदे रोजाना इस सड़क तो लंघ रहे ने पर फिर भी प्रशासन ते सरकार कुंभकर्णी नींद सुती पई है। आज कंडी संघर्ष कमेटी वालों गढ़शंकर नंगल रोड से असी 3 घंटे हो गए धरना लाए हुए नूं। इह धरने की मंग साडी ना ताज दी आ ना राज दी आ, सिर्फ टोए खूह आ के जिहड़े उह भरन दी मंग वा, प्रीमैक्स पाउण दी मंग। असीं पिछले समय तो लड़ रहे हाँ, यह दो सूबियां नूं जोड़दी सड़क वा, ये धार्मिक समाजिक थावां नूं जांदे रस्ता आ, ये भाखड़ा डैम नूं लोग देखण जांदे ओह आ, ये नंगल शहर नूं देखण जांदे ओह सड़क वा, पर इस तरसयोग हालत वा जिहड़ियां सड़कां होंदियां ये विकास का शीशा होंदियां। सरकार 4.5 साल कैप्टन साहब की रही आ, एक चमचे जी लुक नहीं पाई, हूँ इन्हों भी 45 दिन नवे चन्नी नू आए नू हुए हजे तक नहीं बने। असी मोदी की जिथे मकान दें उत्थे इस पंजाब सरकार की भी अज मकान देन बैठे हाँ। अज SCM साहब आए हैं, वो कहते 2 हफ्ते च बन जाऊ, असी 3 हफ्ते दें ना बनी तो असी मुड़ के सड़कों पर बैठा। असी अजीत चैनल का धन्यवाद करते हैं, वो लगातार जोड़े ने वो रखते ने ख्याल रखते हैं, धन्यवाद। इस रोड के उत्ते प्रीमिक्स पाउण दा गढ़शंकर BNML होंदी हुई जिहड़ी नंगल नूं जांदी है, ये पिछले हफ्ते भी डिस्कस होया सी, तो ये गल ध्यान च आई सी कि PWD कोल इसका पैसा भी आ गया, तो उन्होंने टेंडर भी लाता, तो ठेकेदार जिहड़ा हैगा इसनूं काम नूं शुरू करन जा रहा है। उस वेले उन्होंने कहा सीगा 2 हफ्ते च काम शुरू हो जाएगा। सो मैं ऐसे हफ्ते ना दिस वीक आई विल कॉल द SDO PWD, उन्होंने पूछा गया कितने पहुंचे काम, तो जे कोई देरी भी होएगी तो उसको दूर करके तो कोशिश करांगे जल्दी तो जल्दी शुरू हो जाए, मतलब 10 दिन च काम। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान अते सूबे के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने गंभीर दोष लाउंदिया कहा पंजाब सरकार की कांग्रेस सरकार बेअदबी के मामले में झूठे गवाह खड़े करके बादल परिवार को फसाउण की साजिश रच रही है। उन्होंने सूबे के सीनियर पुलिस अधिकारियों को ताड़ना करते हुए कहा कि जेकर किसी ने भी सरकार के दबाव में आके कोई गलत काम किया तो उन्होंने नजिठिया जाएगा। दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल अते बसपा वालों अज फगवाड़ा विच महारैली रखी गई सी। इस दौरान पार्टी प्रधान ने पार्टी वर्करां दे नाल मीटिंग की। सुखबीर सिंह बादल ने फिर दोहराया सरकार बनाउण तो पहलां दुआबा खेत्र विच इक वड्डी मैडिकल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। ज
ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਲੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਡਰ ਜੇ ਡਟ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੋ ਫਗਵਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀਟ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਲੋ ਆ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਡੀ ਏ ਪੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਲੀ ਪੁਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਅੜੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਇਓ ਕਾਇੰਡਲੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 36 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ 346 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ